नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, डिमांड क्या होती है और डिमांड शेड्यूल देखा था, और डिमांड शेड्यूल से अपन ने डिमांड कर्व बनाया था। ठीक है, तो उसी लेक्चर को अपन आज आगे बढ़ाते हुए लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है जो प्राइस होती है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, वो लॉ ऑफ डिमांड बताता है। और जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स, इनवर्स मींस अपोजिट। ठीक है, इनवर्स मींस जो प्राइस है किसी कॉमोडिटी की वो क्या होगी? जो डिमांड है उसके इनवर्स होगी। ठीक है, डिमांड क्या है यहाँ? क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो लॉ क्या बोल रहा है? जो प्राइस होगी वो क्वांटिटी डिमांडेड के अपोजिट होगी या इनवर्स होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे अपन प्राइस बढ़ाएंगे किसी कॉमोडिटी की तो उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और जैसे जैसे अपन प्राइस को कम करेंगे उसकी जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो जो अपनी डिमांड वो कम होगी, और प्राइस अगर कम होगी तो अपनी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं लॉ? विथ अदर कंडीशंस आर और फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। बहुत से जो फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? जो फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको अपन कॉन्स्टेंट रखते हैं। वो कॉन्स्टेंट रहने चाहिए तभी ये जो लॉ है वो काम करेगा। जो प्राइस और जो डिमांड है उनके बीच रिलेशनशिप तभी इनवर्स आएगा जब जो फैक्टर्स है डिमांड को अफेक्ट करने वाले वो क्या होने चाहिए? कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंट नहीं होंगे वो फैक्टर्स तो क्या होगा? तब ये लॉ काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फैक्टर ले लेता हूं मैं इनकम। ठीक है, इनकम एक डिमांड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। ठीक है, तो अपन जो इन डेफिनेशन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो कंडीशंस या जो फैक्टर है, या तो कंडीशंस या फैक्टर, वो क्या होने चाहिए? कॉन्स्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, तो इनकम क्या है? या फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। वो अपन और भी फैक्टर है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार इनकम यहाँ बता देता हूँ कि जो फैक्टर है वो कॉन्स्टेंट क्यों रखते हैं। अगर कॉन्स्टेंट नहीं रखे तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं एक फैक्टर ले रहा हूं यहाँ इनकम। ठीक है, तो इनकम कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है वो देखते हैं। जैसे मेरे पास इनकम है 100 रुपए। ठीक है, और मैं कोई कॉमोडिटी खरीद रहा हूं, उसकी जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, और इनकम होगी वो रुपीज में होगी। और जो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड आएगी, कितनी क्वांटिटी आएगी? अगर अपने पास इनकम 100 है और किसी कॉमोडिटी की प्राइस है वो 10 रुपए पर केजी है, तो जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी? 10 आएगी, 10 केजी। ठीक है, अगर मैं इनकम सेम रखता हूं, कॉन्स्टेंट रखता हूं, इनकम जो फैक्टर्स है, फैक्टर क्या है? इनकम है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट रखता हूं तो ये लॉ काम करता है। जैसे अब मैंने यहाँ प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, प्राइस बढ़ा दी 10 से 20 कर दी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोलता है? जैसे जैसे किसी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो यहाँ जो डिमांड रहेगी वो कितनी क्वांटिटी रहेगी? 5। ठीक है, 5 केजी अपन कोई कॉमोडिटी खरीदेंगे, कितने? 100 रुपए में, जब उसकी प्राइस कितनी हो? 20 रुपए पर केजी। ठीक है, तो ये लॉ काम कर रहा है जब इनकम कॉन्स्टेंट है। तो इनकम कॉन्स्टेंट है तब ये लॉ काम कर रहा है। जैसे जैसे अपन प्राइस बढ़ाएंगे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। ठीक है, पहले 10 थी क्वांटिटी डिमांडेड, अब 5 हो गई, क्यों ही? अपन ने प्राइस बढ़ा दी। ठीक है, तो इनकम कॉन्स्टेंट रखते हैं तो ये लॉ काम करता है। अपन ने यहाँ बोला फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, तो फैक्टर्स में एक फैक्टर इनकम भी है। ठीक है, तो इनकम कॉन्स्टेंट रखते हैं तो ये लॉ काम कर रहा है। जैसे जैसे अपन प्राइस बढ़ाएंगे उसकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, अगर इनकम कॉन्स्टेंट नहीं हो तो क्या होगा? ये लॉ काम करेगा कि नहीं? ठीक है,
इनकम अब मैं चेंज कर रहा हूं। जैसे मेरे पास या कंज्यूमर के पास 100 रुपए है, ठीक है, और किसी कॉमोडिटी की प्राइस है वो 10 रुपए है, 10 रुपए पर केजी है, ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी आएगी, 10 केजी आएगी, ठीक है। अगर मैं इनकम चेंज करता हूँ, पहले तो अपन ने कॉन्स्टेंट रखी थी तब ये लो काम कर रहा था, जैसे जैसे अपन ने प्राइस बढ़ाई थी क्वांटिटी डिमांडेड कम आई थी, ठीक है। अब यहाँ मैं इनकम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इनकम पहले यहाँ 100 थी, अब हो गई है 250, ठीक है, इनकम चेंज हो गई या बढ़ गई। और जो अपनी जो प्राइस है वो 10 रुपये, पहले 10 रुपये पर केजी थी, अब मैं इसको बढ़ा के अगर कर देता हूँ 15 रुपये केजी, ठीक है, 15 रुपये पर केजी कर देता हूँ, तो अपनी जो डिमांड है वो कितनी आएगी, अपन ने प्राइस बढ़ा दी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ गई, 10 पहले 10 थी अब 15 हो गई, तो प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन जो अपनी डिमांड है वो यहाँ ज्यादा आएगी, क्यों आएगी, अपने पास इनकम 250 है, ठीक है, और प्राइस है किसी कॉमोडिटी की 15 रुपये पर केजी, तो 250 में कितने जो कॉमोडिटी है कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी 19 पॉइंट समथिंग। तो यहां क्या बोल रहा है, प्राइस जैसे बढ़ी उसकी डिमांड भी बढ़ गई, तो ये लो काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, यहाँ इनकम चेंज हो गई, ठीक है, तो जैसे इनकम चेंज हो जाती है ये लो काम नहीं करता, इसलिए इनकम को अपन कॉन्स्टेंट रख के चलते हैं, ठीक है। ये 19 ही आएगा शायद, एक बार और देख लेते अपन, 15 से डिवाइड किया तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना मान लो, तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई, ठीक है, तो ये लो यहाँ काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, यहाँ अपन ने इनकम चेंज कर दी, ठीक है, इनकम चेंज कर दी तो ये लो काम नहीं कर रहा। अपन ने डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और साथ में क्या बताया था, जो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे वो कांस्टेंट रहने चाहिए, और उनमें से एक फैक्टर्स का मैंने एग्जांपल दिया था इनकम का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकम अपन जैसे ही कांस्टेंट रखते हैं तब तो ये लो काम कर रहा था, मैंने पहले जो 100 रखी थी उसके बाद भी 100 रखी तब ये लो काम कर रहा था, लेकिन अब मैंने इनकम चेंज कर दी तो ये लो काम नहीं कर रहा। यहाँ देखो प्राइस मैंने बढ़ा दी, तो प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड कम होनी चाहिए थी क्वांटिटी की, लेकिन यहाँ डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है, तो ये लो यहाँ काम नहीं करेगा, कहाँ, जहां फैक्टर्स या जो इनकम है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अपन एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ प्राइस लिख दी, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, प्राइस 10 थी, इसको अपन जो इसकी यूनिट है वो रुपीज पर केजी कर देते हैं, और जो क्वांटिटी आएगी वो केजी में आ जाएगी, ठीक है। किसी कॉमोडिटी की जो प्राइस थी वो 10 रुपये पर केजी थी, तो उसमें जो क्वांटिटी आई अपनी, क्वांटिटी डिमांडेड, वो कितनी, 1 आई, ठीक है, और जैसे जैसे अपन प्राइस कम करते जा रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू लो, लो बोल रहे हैं जैसे जैसे किसी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम होती जाएगी, और जैसे जैसे किसी कॉमोडिटी की प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ प्राइस कम होती जा रही है 10, 8, 6, 4, 2, और जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो यहाँ से टेबल से अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, इधर लिखेंगे अपन क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, इधर अपन प्राइस लिखेंगे, ठीक है, प्राइस वाई एक्सिस पे है और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 से 2 तक, तो 10 मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, ठीक है, 10 से फिर 8, 6, 4, 2, मतलब कम होती जा रही है और जो क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोप करता हुआ कर्व आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, डिमांड कर्व। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी के अपन प्राइस बढ़ाएंगे तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जाएगी, ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस कम करते जाएंगे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। तो अपन ने टेबल से ग्राफ प्लॉट कर दिया, 10 से स्टार्ट किया मैंने, 10 पे जो क्वांटिटी थी वो एक थी, ठीक है, फिर 8 पे 3, फिर 6 पे 5, ये सब पॉइंट अपन जब मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, तो ये क्या है, डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शन है जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।